हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस। तो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इसमें हम लोग फिलहाल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में ग्रुप में दे दिया था। सारे क्वेश्चन ही जो है पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं जो अर्लियर ईयर्स में आ रखे हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसको आप यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको मटेरियल एंड नोटिफिकेशंस वगैरह दी जाती रहती हैं। इसके अलावा दिस इज आवर फेस टू फेस सेंटर वेयर यू कैन रीड, वेयर यू कैन कम एंड सब्सक्राइब फॉर अस। क्वेश्चन आंसर में स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन आंसर में अगेन सबसे पहले अगर मैं बेसिक बातों के बारे में बता दूं तो देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको बॉडी लिखनी होती है, और बॉडी के बाद आपको कंक्लूजन लिखना होता है। इन सारे के सारे टर्म्स में हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने होते हैं, मतलब कि पैराग्राफ नहीं लिखना है, हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना होता है। ये हो गई हमारी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होती है, हमें हमेशा फ्लो चार्ट्स वगैरह इंक्लूड करना होता है। फ्लो चार्ट्स वगैरह इंक्लूड करना है, मैप्स इंक्लूड करने हैं, फिगर्स इंक्लूड करने हैं, मतलब आप जितना ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं वो सारा कुछ हम लोग इन सारी चीजों में कर रहे होते हैं। तो ये हो गई बेसिक चीजें जो हम लोग देख रहे होते हैं। हम सारे इन सब चीजों को देखेंगे, कैसे करना है, कैसे लिखना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर इन दिस क्लास। तो स्टार्ट करते हैं हमारा, और फटाफट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द वर्ड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट नेशनल लेवल। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो बेसिकली दो पार्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। पहला पूछा गया है, पहले तो एग्जामिन है, एग्जामिन मतलब व्हाट यू हैव टू राइट। आपको यहां पर पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स के बारे में बात करनी है। एग्जामिन का मतलब ये होता है आपको पॉजिटिव और निगेटिव उस स्टेटमेंट के बारे में लिखना है। वर्ल्ड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बताना है, यानी कि आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से चल रहा है। इसके अलावा आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें निकल करके सामने आ रही है। क्लियर हो गया क्या चीज है, क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट आपको करना रहेगा इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए बताया हुआ है, जैसे एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगी, तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स हो गई, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, मार्केट हो गया, तो ये सारा लेड टू इंडस्ट्रियल सेटअप। इंडस्ट्रियल सेटअप में इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन एवरी वर्ड इन अ वन और टू लाइंस, और सिंपली इस तरीके से आपका पूरा इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। सपोज ये अगर 300 वर्ड का क्वेश्चन है तो आपको ये 30 टू 40 वर्ड में इंट्रोडक्शन अपनी कंप्लीट कर देनी है। इसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल्स का एग्जाम्पल्स ले लेंगे, और ये एग्जाम्पल ऑब्वियसली आप फ्लो चार्ट में बनाएंगे। इस फ्लो चार्ट के दौरान ही, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों को दिया है कि आयरन इंडस्ट्रीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, तो आप एक काम करिएगा, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का फटाफट एक वर्ल्ड मैप में बना करके दिखा दीजिए कि कहां पर क्या सीन है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में हो गया, यहां पर क्या है, ग्रेट लेक्स है, और इस ग्रेट लेक्स के पास ही जो है आयरन के रिसोर्स पाए जाते हैं, और इसी आयरन रिसोर्स का यूज कर लिया जाएगा वाटरवे, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, और इस तरीके से यहां पर चीजें हो जाएंगी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, तो मैप दिखा सकते हैं। फ्लो चार्ट का मतलब क्या हो गया, आपने एग्जाम्पल ड्रॉ किया, नाउ फर्स्ट थिंग आयरन रिसोर्स फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में। सिमिलरली टेक्सटाइल सेक्टर ब्रिटेन के बारे में आप बता दीजिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूरोप के बारे में बता दीजिए। अब जब भी यहां पर आप चीजें लिखेंगे तो दिस इज बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसेप्ट, लेकिन कहीं पर पेपर में आपको तो लिखा है नहीं कि ह्यूमन ज्योग्राफी ही लिखना है, यहां पे आपको यहां पर फिजिकल प्लस ह्यूमन दोनों लिखना होगा। यानी कि आप जब भी ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आप बात करेंगे ओशियन करंट्स की भी, ओशियन करंट्स के बारे में भी आप लिखेंगे। क्लियर हो गया, तो ये सारे एग्जांपल लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने बता दिया वर्ल्ड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, कैसे है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जहां पर बोल रहा है कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बतानी है आपको, तो आपको लोकल लेवल पे नहीं बतानी है, आपको बतानी है नेशनल लेवल पे। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट नेशनल लेवल, यहां पर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, विद रिस्पेक्ट टू जियोपॉलिटिकल हैपनिंग, विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, माइग्रेटरी लॉज, लेबर लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो ये सारा का सारा चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात करता हूँ, फाइनेंस हो गया। फाइनेंस में क्या है कि आपको कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करनी है तो सीधी सी बात है आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और वो फंडिंग फाइनेंस के फॉर्मेट में निकल के आएगा। तो एक तरीका है कि आपके यहाँ की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, जो भी फाइनेंशियल या लोन के संबंधी चीजें होंगी, वो
क्लियर हूं, मतलब कि उसमें किसी प्रकार से आपको कंस्ट्रेंट न रहे, रोक टोक न रहे, आराम से उस चीजों को मिल जा रही हो। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी अच्छे से हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं निकल के आएगी। लेकिन इफ देयर इज प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, देन ऑब्वियसली इट विल लीड इनटू दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक, सिमिलरली जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स आप बता सकते हैं, जैसे यूएस ईरान के बीच में इस समय टेंशन चल रही है, तो उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है, उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रही होती है या कुछ भी सिचुएशन खराब हो रही होती है, अगेन दोनों कंट्री को और आसपास के नेबरिंग कंट्री को देखना पड़ जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशन आप बोल सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन ये भी आप बता सकते हैं, जैसे आप बता देंगे कोरोना वायरस का जैसे ही केस है अभी, अब क्या है कहीं पर भी कोई प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, एंड दैट इज वाई जो भी हमारी इकोनॉमी है या जो भी वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा पीछे चली गई है, बैकवर्ड चली गई है, ये भी आप बताएंगे। इसके अलावा माइग्रेटरी लेबर फोर्स के बारे में बताएंगे, वीजा रिजीम के बारे में बताएंगे, माइग्रेशन के बारे में बताएंगे। अब जब ये माइग्रेशन ऑल दैट चीजें आ जाएंगी तो वहां पर थोड़े मोड़े आप ज्योग्राफर का नाम भी ले लेंगे। लेकिन अब और इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, ये तो हमारा जनरल आंसर है, जनरल आंसर जनरली क्या होता है, सारे लोग ऐसे ही आंसर लिख रहे होंगे, तो जनरल आंसर हो गया। अब ये बताइए एक जीएस के स्टूडेंट और आपके स्टूडेंट में कोई फर्क रह गया क्या, यानी इस जीएस को ऑप्शनल में बदलना पड़ेगा, और यही रीजन है जिसकी वजह से लोग मार्क्स नहीं पाते हैं और अल्टीमेटली कहते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत खराब सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी ऑप्शनल काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको ज्योग्राफी लिखना आना चाहिए। अब यहां पर देखिए जीएस को ऑप्शनल में कैसे कन्वर्ट करें, अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहां पर देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, यानी कि हमें किसी भी तरीके से अपने मॉडल्स का यूज करना है, और मॉडल में हमारे पास पड़े हुए हैं कौन, वेबर साहब, तो हमें वेबर का यूज करना है। अब आप वेबर के बारे में जब भी यूज करेंगे तो आप बताएंगे किस तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को इन्होंने बताया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इनके बारे में आप बताएंगे, इनका जो अजम्पशन था उसके बारे में आप बताएंगे, और यहां पर आप आइसोडापेन सिचुएशन लेकर के आएंगे, एंड इन क्वेश्चन इन प्रॉब्लम्स को आप बताएंगे वेबर की सहायता से कि हाउ वेबर हैज एक्सप्लेन्ड विच आर नॉट बीइंग फॉलोड बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एंड दैट इज वाई देयर इज प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्लियर, तो आप बेसिकली यहां पर बीच में जैसे ही आपने इस एग्जांपल को कोट किया, बीच में आप वेबर के मॉडल को फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में थोड़ा सा बता देंगे, चीजों को दिखा देंगे कैसे क्या हो रही है, दैट इज हाउ, एंड दिस विल लीड टू फेचिंग ऑफ वन, मतलब समझ लीजिए 2 to 3 marks एक्स्ट्रा आप आ जाएंगे, इनफैक्ट 4-5 marks भी एक्स्ट्रा पा सकते हैं इस तरीके से। तो यू हैव टू एनी वे कोट दिस वेबर। क्लियर हो गया, बाकी इसके बाद मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है, आप लोग आंसर लिखिएगा और फिर टेलीग्राम करिएगा, वहां पर आपके आंसर इवेल्युएट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिवन अकाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड एज प्रेजेंटेड बाय विटल से, एंड क्रिटिकली एग्जामिन द पैरामीटर्स यूज्ड इन इट्स डिलिनिएशन। तो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन जो होता है वो विटल से ही है, लेकिन इनका जो थीम है वो है एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी। तो दिस इज द थीम एंड दिस इज द क्वेश्चन। अब जब भी थीम रहेगी तो इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में आप थीम को ही इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, और थीम क्या है, एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी। आप एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी को ही जो होता है एक्सप्लेन कर दीजिए कि इट डिपेंड्स ऑन जियोलॉजिकल कंडीशंस हो गई, लाइक टोपोग्राफी हो गई, जो भी मतलब हमारी कंडीशन है, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, कैसी है, इसके अलावा वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, तो कई सारी चीजों के बारे में आप बता देंगे। यहां पर एक टर्म और आप इंक्लूड कर सकते हैं, रेशनल इकोनॉमिक मैन, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन, या फिर माइंडसेट ऑफ मैन। तो बेसिकली क्या है, रेशनल इकोनॉमिक मैन, इसको आपको इंक्लूड करना है किसी तरीके से। क्लियर है, तो इन टाइपोग्राफी के बारे में आप जब लिख देंगे, नाउ यू विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और यहां पर आप बताएंगे बेस्ड ऑन द एबव पैरामीटर वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड ऑन फॉलोइंग एग्रीकल्चरल टाइप। और जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था वर्ल्ड टाइपोलॉजी में, वहां पर आप बता देंगे कि ट्रांसह्यूमनशिप होती है, इसके अलावा एनिमल हॉर्डर होते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, कम्युनिटी फार्मिंग हो जाती है, कमर्शियल फार्मिंग हो जाती है, मेडिटेरेनियन फार्मिंग हो जाती है, नंबर ऑफ फार्मिंग टेक्निक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर। ठीक है, तो उन सब चीजों को आप लिख सकते हैं, और इसके बाद आप एक मैप बना देंगे। मैप बनाने के बाद आप जितने भी टाइपोग्राफी को आपने यहां पर लिखा है उसको आप लोकेट कर दीजिए, यह आपको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में ले आनेगा।
इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है विटल से की, अब उसके बारे में आप एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे कि ज्योग्राफर विटल से हैज क्लासिफाइड वर्ड बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर इनटू डिफरेंट एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी, और बाकी जो होती है विटल से के बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह की, क्योंकि यहां पर आपको जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो यहां पर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप जीएस का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने में। नंबर टू, आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर देना है, सीधी सी बात है ज्योग्राफी ऑप्शनल का ही क्वेश्चन है, आपको किस तरीके से कौन से टॉपिक से उठा करके आपको यहां पर मटेरियल लिखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। दिस इज द रियल चैलेंज हियर। अब जरा देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है पहले, फिर हम लोग बात करेंगे कैसे इसको प्रोसीड किया जाए। अब मैं यहां पर बिल्कुल नहीं आपको बोलूंगा कि आप अपने दिमाग में रखिए कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी कर रहे हैं या पॉपुलेशन ज्योग्राफी कर रहे हैं या सेटलमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्योग्राफी कर रहे हैं, ऐसा सोच करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वाटर इज अ स्केयर्स रिसोर्स इन प्लेंटी, तो बहुत ज्यादा है फिर भी बहुत कम है। कमेंट ऑन एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन बैलेंस्ड हैबिटेट डेवलपमेंट। थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट ले लेता हूं मैं, और इसको मैं बोलता हूं बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इसको मैं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बोल देता हूं, ठीक है, आसानी हो जाएगी और कोई बात नहीं है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मैंने बोल दिया। सपोर्ट योर आंसर विद द एग्जांपल ऑफ एशिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को जो भी एग्जांपल लेने रहेंगे वो हम लोग एशिया से ले लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना रहेगा इस वाले लाइन को, इस वाले स्टेटमेंट को। यहां पर आप सीधे से कुछ भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन जैसे मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी से ही ले लिया है, जैसे नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय अर्थ एंड बट इन दिस प्लेंटी ऑफ अवेलेबल वाटर देयर आर सम कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका विच आर डिक्लेयर्ड वाटर स्केयर्स कंट्रीज। सिमिलरली जैसे अरेबियन की कंट्रीज हो गए, अरेबियन पेनिनसुला की, देयर आल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज वाटर स्केयर्स कंट्री, द रीजन इज अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपने क्या है इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा आप यहां पर मैप बना करके दिखा भी सकते हैं कि कौन कौन से रीजियन है जो फिलहाल वाटर की शॉर्टेज को फील कर रहे हैं। इसके बाद से आगे का कंसेप्ट आ जाएगा बैलेंस हैबिटेट डेवलपमेंट या बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के बारे में आप बता देंगे। और यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, इन सारे एग्जाम्पल को आप दिखा सकते हैं कि मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, अरेबियन पेनिनसुला हो गई, इनफैक्ट इंडिया ये भी जो होता है वो पेनिनसुलर इंडिया स्टार्टेड फेसिंग वाटर प्रॉब्लम, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो इंटीग्रेट दिस स्टेटमेंट विद डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन को लेकर के आप यहां पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने इस एग्जाम्पल को एनवायरमेंट का एक रूप दे दिया है, लेकिन साथ में आप क्या है रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट, और ओवरऑल इसको आप बोल रहे हैं क्या बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, क्लियर। बाकी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के बारे में आप बता देंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बता देंगे, और इसी में इंक्लूड कर देंगे ब्रुंटलैंड कमीशन के बारे में, सस्टेनेबिलिटी टर्म के बारे में आप बता देंगे। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में आप बता देंगे कि हर एक एरिया को अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपनी एक प्रॉब्लम होती है, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू डील विद दैट प्रॉब्लम, अकॉर्डिंगली वी हैव टू गिव देम सॉल्यूशन, क्लियर। तो यहां पर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन अगेन द सेम क्वेश्चन यहां पर भी उठता है, ये तो हुआ जीएस का आंसर, कैसे इसको ऑप्शनल के आंसर में बदला जाए, क्योंकि कोई भी आंसर ऐसे ही लिखेगा। तो यहां पर कुरुक्षेत्र पढ़ लीजिए, योजना पढ़ लीजिए, सब को सब ऐसे ही आंसर लिखेंगे, तो जीएस वाले भी लोग भी तो ये पढ़ते हैं, ऑप्शनल कैसे बनाए, यानी कि यहां पर आप भी आपको कुछ मॉडल्स वगैरह इंक्लूड करना पड़ेगा। अब यहां पर कौन सा मॉडल लगाएं, हम लोगों ने तो कोई मॉडल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अलावा या बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए तो कोई पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल पढ़ा है आपने, कौन से पढ़े हैं, हम लोगों ने जो लेक्चर 1 से लेक्चर 16 तक जो किया है उसी के बारे में, मतलब ह्यूमन पर्सपेक्टिव, यानी पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी जो हम लोगों ने किया है उसका आपको इंक्लूड करना होगा यहां पर। क्या इंक्लूड करेंगे, देखिए जब भी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बात हो तो बेसिकली क्या है, यू आर टॉकिंग अबाउट, यहां पर देखिए ब्लैंक स्पेस है, रीजनल डेवलपमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं। रीजनल डेवलपमेंट के बारे में जब भी आप बात करेंगे तब तुरंत आपका नाम ध्यान आना चाहिए रिस्टहोफेन का। रिस्टहोफेन हैज टॉक्ड अबाउट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, और उनकी एक स्टेटमेंट जो कही गई थी उस स्टेटमेंट को आप जरूर इंक्लूड करिएगा। स्टेटमेंट क्या थी इनकी, इन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू रिस्टहोफेन द सिंथेसिस एंड यूनिटी इज बेटर अचीव्ड विद इन अ रीजन बिकॉज इनसाइड अ रीजन द डाइवर्स डिस्पेरेट एलिमेंट आर बेटर इंटीग्रेटेड थ्रू कैजुअल रिलेशनशिप टू गिव द रीजन इट्स आइडेंटिटी।
तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मैंने स्टेटमेंट जो है आपके पुराने नोट से ही कॉपी किया हुआ है, वहां से आप इस चीज को बोल सकते हैं। रिस्टोफन को मेन फोकस करेंगे और साथ में आप सपोर्ट में लिखेंगे किसको, रेडजिल को सपोर्ट में लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने भी रीजनल डेवलपमेंट के बारे में बात किया था। विडाल डेला ब्लास के बारे में बात करेंगे क्योंकि इन्होंने भी यही बात की थी। और इसके अलावा आप बात करेंगे कार्ल सावर के बारे में, कार्ल सावर के बारे में। इन सब लोगों को आप अपने आंसर के बीचों बीच कलर चेंज करके, कोई भी पेन है उसके कलर चेंज करके फ्लो चार्ट में लिखेंगे। इससे क्या होगा कि अब जो चेक करने वाला रहेगा उसको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है और इस तरीके से आप इन चीजों को इंक्लूड कर रहे होंगे। जब भी आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे होंगे, आप यहां पर किसकी बात करेंगे, यहां पर आप बात करेंगे ग्रिफिथ टेलर की। क्लियर हो गया क्या है, ग्रिफिथ टेलर की या फिर ग्रिफिथ पिंचेट की बात कर रहे होंगे। ये सारा का सारा हम लोगों ने ह्यूमन पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में डिस्कस किया हुआ है। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस टॉपिक, काइंडली गो विद द अर्लियर वीडियोस और उसको जो होता है फटाफट आप देख लीजिए, कंफर्टेबिलिटी ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं। आपको ये इंक्लूड करना ही होगा अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल कैरी ओवर करके, मतलब टैकल करके चलना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको जीएस के सब्जेक्ट से ऑप्शनल का सब्जेक्ट बना सकते हैं। कुछ समझ में आया क्या चीज है, कैसे करना है? अब देखिए, इसी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक्सप्लेन द टर्म रिसोर्स मैनेजमेंट, अगेन यहां पर क्वेश्चन उठता है रिसोर्स मैनेजमेंट का ही, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा है। डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल रिसोर्स स्केर्सिटी एंड फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो हम लोगों ने जिस तरीके से वाटर के बारे में देखा था, ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हर एक रिसोर्स के बारे में आप उन्हीं सब चीजों को लिख सकते हैं और वही का सारा काम आपको करना है। क्लियर है? तो इसको अलग से मतलब डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, अगेन इसको स्किप करते हैं। लेकिन यहां पर अगेन एक जीएस के आंसर से ऑप्शनल के आंसर में कैसे इंक्लूड करना है, कैसे करेंगे, अगेन आप यहां पर बताएंगे रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में और रिसोर्स मैनेजमेंट में वही बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट या फिर इन फैक्ट यू कैन यूज व्हाट एलन सैंपल के बारे में। एलन सैंपल को यूज करिए, इन्होंने रिसोर्स के एग्जॉशन के बारे में बताया था। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में, हंटिंगटन इनकी बुक का नाम याद रखिएगा पल्स ऑफ एशिया, इन्होंने पल्स ऑफ एशिया के बारे में बताया था और इन्होंने बताया था किस तरीके से न्यू लैंडस्केप पुरानी लैंडस्केप से कैसे चेंज हो रही होती है। सिमिलरली यू कैन यूज दिस प्रॉब्लम एज रिसोर्स स्केर्सिटी, कि अभी की जो मतलब जनता, अभी की जो भी जनरेशन है, दे आर एक्सकेवेटिंग द रिसोर्सेज और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचेगा नहीं एंड देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर सस्टेनेबिलिटी। तीन लोगों का यूज कर सकते हैं, अगेन एक ऑप्शनल का आंसर बना सकते हैं इस तरीके से। आइडिया लगा? बाकी आप लोग आंसर लिखिएगा और टेलीग्राम करिएगा। इसके अलावा देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ऑन एनवायरनमेंट। तो आपको क्या है, एग्रीकल्चर को लिंक करना है एनवायरनमेंट के साथ। तो यहां पर अगेन एग्रीकल्चर के लिए भी आपके पास मॉडल पड़े हुए हैं, वॉन थ्यूनन का मॉडल हो गया या फिर विटलसे का मॉडल हो गया, तो इनको आपको इंक्लूड करना है। और एनवायरनमेंट के लिए ऑलरेडी आपको पता चल गया कि ये ग्रिफिथ टेलर हो गए हमारे पास या फिर पिंचेट हो गए, इनके बारे में हमें पता ही है, तो वी हैव टू लिंक दिस टू। इसके अलावा रिसोर्स मैनेजमेंट ये तो करना ही करना है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी लेकर के आप डिस्कस कर लेंगे और इस तरीके से आप इसको आंसर लिखिएगा एंड यू कैन सेंड अस ऑन टेलीग्राम। इस तरीके से बाकी आगे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है एंड यू हैव टू कनेक्ट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगेन वही चीज है, फिर से वही काम आपको करना रहेगा। मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है, जिस्ट दे दिया है, बता दिया है कैसे आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को आंसर में लिखने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन रेज योर डाउट देयर और उसको हम लोग देख लेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देखते हैं। बाकी यू कैन सेंड आंसर्स, टेलीग्राम पे आंसर दे सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और पेपर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से, मंडे से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।